इधर मध्य प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे भिंड में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनता के बीच वोट अपील करते नजर आएंगे राहुल गांधी। भिंड के एमजेएस मैदान में उनकी चुनावी सभा का कार्यक्रम है। इसके बाद राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में चुनावी सभा करते नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और फिर 12 बजे देखिए भिंड में चुनावी सभा का कार्यक्रम है। प्रत्याशी यहां से फूल सिंह बरैया हैं, जिनके समर्थन में जनता के बीच एमजेएस मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इस सभा में ग्वालियर चंबल संभाग समेत प्रदेश के अन्य जिलों से कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। आपको बता दें, मौजूदा चुनाव में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले राहुल गांधी पहले चरण की सीट के प्रचार के लिए भी 8 अप्रैल को मंडला और शहडोल में रैली करने पहुंचे थे। भिंड लोकसभा सीट के बारे में भी आपको बता देते हैं, यहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं फूल सिंह बरैया, तो बीजेपी ने संध्या राय को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं देवाशीष जरारिया बीएसपी से उम्मीदवार हैं, जो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। फूल सिंह बरैया कांग्रेस पार्टी के हैं। भिंड लोकसभा सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, फूल सिंह बरैया के समर्थन में आज जनता के बीच पहुंचेंगे राहुल गांधी। एमजेएस ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सीट के इतिहास के बारे में भी बता देते हैं, 2014 में अगर बात की जाए तो बीजेपी के भगीरथ प्रसाद यहां से जीते थे, इमरती देवी यहां से अपना चुनाव हार गई थी। 2019 में बीजेपी की संध्या राय यहां से विजयी रही, जबकि कांग्रेस पार्टी के देवाशीष अपना मुकाबला हार गए थे।